हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार गर्माता जा रहा है, जिसके चलते पूर्व मंत्री एवं नैना देवी से कांग्रेसी विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक करार देते हुए कर्जे के सहारे सरकार के चलने के आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार गर्माता जा रहा है, जिसके चलते पूर्व मंत्री एवं नैना देवी से कांग्रेसी विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक करार देते हुए कर्जे के सहारे सरकार के चलने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही रामलाल ठाकुर ने 9 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों व अध्यापकों की कमी के साथ ही खस्ता हालत सड़कों का मुद्दा सदन में उठाने का दावा किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही है। जो कहते थे हमने कर्जे लेके प्रदेश को नहीं चलाना है, कोई भी 2 महीने के बाद मेरे को बता दो 400-500 करोड़ रुपए जो है वो आज की सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और जो सरकार है वो कर्जों के ऊपर प्रदेश को चला रही है। कर्मचारियों को कुछ देना है तो उसमें जो है वो कर्जा लिया जा रहा है। तो ये मैं कहूँगा कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस प्रकार से मैं कहूँगा 2 साल का जो समय है ये प्रदेश के लोगों के लिए निराशाजनक। मैं नैना देवी हल्के के बारे में कहना चाहूँगा, जिस चुनाव क्षेत्र में 12 डॉक्टर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और 50-बेड हॉस्पिटल में ना हो तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं कैसे लोगों तक पहुंच रही है। आज सड़कों का हाल इतना बुरा है कि सड़कों के ऊपर कोई चलने के लिए बाहर से कोई आदमी आता है तो गालियां निकाल के जाता है, छोटी गाड़ियां चल नहीं सकती। यहाँ पे स्वर्ण स्कूल के बारे में मुझे बताया गया कोई 7 पोस्टें जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खाली चली है। जब अध्यापक नहीं होंगे, जब यहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो आपके जो शिक्षा है वो कहाँ पे आगे जाएगी। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मुद्दे हैं उनको सेशन में उठाएंगे। 6 दिनों का सेशन है, उसमें अपने चुनाव क्षेत्र का भी और प्रदेश में जो सरकार हर कुछ कर रही है उसके बारे में मुखर आवाज़ से सारे मसलों को उठाएंगे।